दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। होलिका दहन समिति कार्यक्रम में हुए शामिल, भव्य शोभा यात्रा में हुए शामिल लोगों ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर बरसाए फूल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी लोगों को दिए होली की शुभकामनाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहां पर भक्ति होती है, वहां पर शक्ति भी होती है, अन्याय का अंत सुनिश्चित है। पर्व त्यौहार शांति के प्रतीक होने चाहिए, देश के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि 3 दिवसीय दौरे पर हैं, आपको बता दें आज उन्होंने सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। संपूर्ण प्रदेशवासियों को उन्होंने होली की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही साथ होली पर आयोजित कई स्थानीय कार्यक्रमों में भी सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करते हुए दिखाई दिए। हम सब जानते हैं पिछले 97 वर्षों से ये शोभा यात्रा पांडे हाथा से नगर के विभिन्न भागों को होते हुए होलिका दहन के इस कार्यक्रम को सत्य न्याय और धर्म की विजय को इस उपलक्ष्य में हर्ष और उल्लास के साथ, उमंग और उत्साह के साथ मनाते हुए आगे बढ़ती है। हम सब इस बात को जानते हैं जहां भक्ति है वहां स्वतः ही शक्ति होती है। भक्ति और शक्ति का यह समन्वय होलिका दहन के अवसर पर भी हम सबको देखने को मिलती है। अत्याचारी अन्यायी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत सुनिश्चित है। और इसी संकल्प के साथ भक्त प्रहलाद ईश्वर की भक्ति के साथ ही सन्मार्ग पर चलते हुए लोक कल्याण का मार्ग का अनुसरण करता है और परिणाम है स्वयं ईश्वर भगवान विष्णु के एक अवतार के रूप में, नरसिंह अवतार के रूप में इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। आज एक ओर हिरण्यकश्यप और होलिका के नष्ट होने का दिन है, लेकिन भक्त प्रहलाद की सफलता और ईश्वरीय अवतार के रूप में, नरसिंह भगवान के अवतार के रूप में, अवतरण के रूप में भी हमें इस महत्वपूर्ण घटना के साथ जोड़ने का कार्य।